शहीदों के गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में दो जवान शहीद हुए थे। तत्कालीन भाजपा सांसद और विधायक ने मौके पर पहुंचकर सांत्वना व्यक्त की थी और विकास कराने के बड़े बड़े दावे भी किए थे, जो सभी खोखले निकल गए हैं। मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, महुता के पास 13 बा अंश पांडे पुरवा पड़ता है, नरैनी विधानसभा है, तहसील नकर्रा है, जिला बांदा है। 2017 में शहीद हो गए थे श्याम बिहारी राम बहोरी मिश्रा जी। उसके बाद 2024 में चिंतामणि पांडे जी शहीद हो गए थे। उस समय तत्कालीन सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी थे और तत्कालीन विधायक राजकर्ण कबीर जी थे और आला अधिकारी भी पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में। और जो गए थे कि हम रोड बनवा देंगे, शहीद स्मारक बनवा देंगे, गेट बनवा देंगे, लेकिन आज तक वहां पर ना तो गेट बना, ना तो शहीद स्मारक बना, ना तो रोड बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो है पुरवा के लोग कम से कम 500 वोटर होगा और वहाँ के लोग अशिक्षित इसलिए हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि रोड नहीं थी। तो वहाँ के आधे युवा, मैंने जब पूछा कि आप पढ़ने क्यों नहीं, मतलब आपकी पढ़ाई कहाँ तक है, तो बोले हम तो पढ़ाई नहीं किए, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने कहा क्यों, तो कह रहे रोड नहीं थी, हम स्कूल नहीं जा पाए। सोचिए, अब तीसरा दिन है, आज अशोक लाल में अनशन पर भी बैठे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनने आ रहा। कल सिटी मजिस्ट्रेट आए थे तो बस लॉलीपॉप दे रहे थे और लॉलीपॉप दे करके चले गए, बोले अनशन खत्म कर दीजिए। तो देखिए, हमारी लड़ाई जो है, आज हम क्रमिक अनशन में आज तक था हमारा, कल से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे। अगर जिला प्रशासन, अगर हमें और हमारे साथियों को जो भी बैठे हैं अनशन में, सभी ग्रामीणों को अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन बांदा की होगी। आपको बता दें, पूरा मामला नरैनी क्षेत्र के 13वां महुटा गांव का है, जहां पूर्व में राम भदोई व चिंतामणि बॉर्डर में ड्यूटी के दौरान दो जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी विधायक व सांसद ने गांव पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया था, परंतु आज तक गांव में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे आज आकर ग्रामीणों ने अशोक लॉट स्थल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने के तीसरे दिन जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने पहुंचकर इस धरने का समर्थन भी किया और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम सचिकांत पांडे है। पांडे जी, किन मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं? हम लोग सड़क मामले को लेकर के हम लोग ये अशोक लाट बांदा में क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं। दो जवानों की शहादत की बात भी ना रोड बनी ना स्मारक गेट, और जिला प्रशासन अभी हमारा अनशन का तीसरा दिन है क्रमिक अनशन का, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, इसको कोई संज्ञान में नहीं ले रहा। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन आज तक इस रोड में कोई कार्रवाई नहीं हो रही।